वहीं गुरुग्राम में होम डेवलपर्स एसोसिएशन की ओर से रखी कुछ समस्याओं का सीएम ने समय रहते निपटारा किया, तो होम डेवलपर्स एसोसिएशन ने भी सीएम के सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। हाल ही में गुरुग्राम से होम डेवलपर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने अपनी कुछ समस्याएं रखी थी। समस्या थी 16 लाइसेंस कॉलोनियों को बिजली के मीटर न मिलने की। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने भी तुरंत इन कॉलोनियों तक मीटर पहुंचाने के आदेश दिए और बदले में होम डेवलपर्स एसोसिएशन ने सीएम के अभिनंदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बीच मनोहर लाल ने जनता की सेवा को ही अपना धर्म बताया। चाहिए क्या? समर्पण भाव। अगर समर्पण भाव की दो पंक्तियां याद करनी हो तो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इस भावना से चलेंगे तो जो सोचे हुए काम सारे पूरे होंगे। अब बहुत विषयों को दोहराना यहाँ इस समय उचित नहीं है। कुछ संकल्प नरेंद्र जी ने अपनी बातचीत में कहे हैं, कुछ राव नरवीर जी ने कहे हैं। अब एक और तो जहाँ होम डेवलपर्स एसोसिएशन ने सीएम का आभार जताया है, वही दूसरी ओर सीएम के सामने एक हॉस्पिटल साइट मुहैया करवाने की भी मांग रखी। रियल एस्टेट के लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सिर्फ एक कोई ऐसा हॉस्पिटल की साइट दीजिए, हम आपके सहयोग से आपके साथ मिलके और मेरा समर्थन सारे लोग करेंगे। हाथ खड़ा करके मैं माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ, एक हॉस्पिटल बनाएंगे पूरे हरियाणा के अंदर, वो एक मिसाल होगी, पूरा चैरिटेबल हॉस्पिटल होगा। इस बीच पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी सीएम के सामने गुरुग्राम में हॉस्पिटल खुलवाने की मांग की। हम कोरोना के तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं, जानी तीसरी लहर आ चुकी। गुड़गांव में बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनेगी, हॉस्पिटल बन गए, एक एक आदमी का बुखार 15-15 लाख रुपए में उतारते हैं। गुड़गांव की जब हम आम आदमी से तुलना करते हैं तो हर जो हॉस्पिटल वाले हैं वो गुड़गांव को यूँ समझते हैं कि सब जमीन वाले हैं, करोड़ों में जमीन बिक्री है, लेकिन 5% आदमी के पास भी जमीन नहीं है, 95% तो बिना जमीन के लोग हैं। उन गरीबों का क्या? हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल था वो बन नहीं पाए। मेरा आपसे निवेदन है कि गुड़गांव में एक हॉस्पिटल आपने मंजूर किया है उसको जल्दी शुरू करा। एक हॉस्पिटल 30 लाख की आबादी होगी गुड़गांव में, कम से कम 4-5 हॉस्पिटल ऐसे आपके आशीर्वाद से बनने चाहिए। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। स्वामी धर्मदेव ने साल 2022 में यूपी में बीजेपी और हरियाणा में भी होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। कोई रोक नहीं सकता और आने चाहिए। मैं सारे भारतवासियों से, प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, योगी मोदी खट्टर इस प्रदेश और देश को मिलने चाहिए, ये आने चाहिए। किस लिए? जिनके दिल में एक जज्बा है, एक भावना है। हमने सुने तो बहुत थे कई बार, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी भी दी। हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का डाटा तैयार किया जा चुका है। जल्द ही इस योजना के तहत इन परिवारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि योजना के तहत आने वाले परिवार सरकारी योजना का लाभ उठा सकें। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें अभी तक।